नमस्कार, मैं हूँ भावना अरोड़ा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और आज मैं आ गई हूँ इसी गाजियाबाद के घंटा घर के सामने, जो आपको ठीक मेरे पीछे दिख रहा होगा। मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि एक बार दिखा दे कि ये वही घंटा घर है जहाँ आए दिन जो है बहुत ज़्यादा हुजूम लगता है, भीड़ लगती है, क्योंकि भैया मार्केट है, मसालों की भी मार्केट है, नॉर्मल सामान भी बिकता है, और इस मार्केट में सब्जियां भी बिकती है, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्याज बिकता है, जो कि आजकल थाली से गायब हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये सारी बातें महंगाई से जुड़ी है, और आजकल महंगाई किसी डायन से कम नज़र नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि क्यों ना बिना समय खराब कीजिए चलिए R9 के साथ महंगाई डायन को ढूंढने निकले हैं, और हर गली हर नुक्कड़ में पहुंच रहे हैं। गुड़ मंडी में पहुंच चुकी हूँ, देख सकते हैं कि लोग तो नजर आ रहे होंगे लेकिन भीड़ गायब हो गई है। भैया सीधी सी बात है, जेब में पैसे नहीं है तो भीड़ तो गायब होनी है, लेकिन हमने फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए भीड़ जो है जुटा ली है, और हम सोच रहे कि लोग थोड़ा सा 2 गज की दूरी अगर मेंटेन कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम इनसे बातचीत भी कर पाए। और मुझे लगता है क्योंकि महंगाई की बात हो रही है और महंगाई डायन की बात हो रही है, तो ऐसे में महिलाओं से मैं जान लेती हूँ कि आखिरकार इस डायन ने कितने घर छोड़कर वार किया है। अब मैं क्या बताऊँ, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से तो महंगाई शुरू हो ही गई है, और उस वजह से फिर सैलरी वगैरह भी नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ। मतलब आप बता भी रही हो फिर ये भी कह रही है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है आपको ये भी बता देना चाहिए कि अभी काम अभी जो है चल रहा है या आप बेरोजगार हो चुकी है। बेरोजगार हो चुके हैं, काम नहीं चल रहा, बेरोजगार महिला है। हाँ जी बिल्कुल, इस बात पे गर्व की अनुभूति हो रही है कि भैया हम राष्ट्र हित के लिए बेरोजगार हो चुके हैं इस वक्त। नहीं, अब कोशिश तो कर ही रहे हैं, इस चीज़ की काम वाम कहीं मिल जाए अच्छे से तो हम कुछ कर पाए। लेकिन ये बताइए, आप कह रही है कि काम तो मिल नहीं रहा है, घर में राशन वाशन तो भर लेते होंगे, क्योंकि अब कोरोना के चलते तो स्थिति लग रही है कि कुछ और ही हो गई है। हाँ राशन तो हो ही जाता है, अब देखो खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही, तो थोड़ा बहुत तो जो है वो तो। अच्छा, प्याज वाज खा रही है? जी प्याज तो खाई, खाया है, कल ही खाया, कल ही खाया है। अच्छा, मतलब आपको ये थाली में प्याज अभी है, गायब नहीं हुआ? नहीं अभी है, हमने तो सुना है प्याज तो 80 के अब 200 जो है 100 रुपए किलो हो गया, तो आप खा रही है कि आपने भी छोड़ दिया? एक्चुअली जहाँ एक डाल लेती थी अब हाफ डाल रही हूँ। जहाँ एक किलो था अब हाफ चल रहा है? नहीं नहीं, सब्जी में ज्यादा एक प्याज जाता था, अभी आधा डालती हूँ। तो मतलब हस्बैंड घर पे कहते होगे ना कि ये नहीं चलता है? नहीं, बस टेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो मैं सीधे बोल देती हूँ अपनी जेब बढ़ा लो, टेस्ट के लिए भी जो है अब कुर्बान है। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ महंगाई ने डसा है? सब कुछ, एक्चुअली करवा चौथ आने वाला है, हम लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, लेकिन जितने दिल खोल के शॉपिंग किया करते थे इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये असली दर्द मुझे लगता है आदमी बता पाए कि सर इधर आइए ना, आप ये बता दीजिए कि महंगाई के लिए इनके लिए जो महंगाई है वो ये है कि करवा चौथ आ रहा है और पैसे नहीं देंगे हस्बैंड। बिल्कुल सही बात है, हस्बैंड के जेब में पैसे तो होने चाहिए। खुद पति इसलिए कह रहे हैं ऐसा? बिल्कुल, इसके पति हैं तो बोलेंगे ही। आपको घर नहीं जाना, चलिए आप इधर आ जाइए, आपको लग रहा है घर नहीं जाना है? सर इनको तो घर नहीं जाना, आपको तो घर जाना है ना? बिल्कुल मुझे घर जाना है, ये देश जो है ना यहाँ पर वीरांगनाओं का देश है, यहाँ पर लोग बाग जो है जब जंग छिड़ती थी तो अपने गहने निकाल के भी औरत दे सकती थी। इन्होंने तो भिड़ंत वाली बात कर दिया आप लोगों से, आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि महंगाई है तो वीरांगनाएं बन जाइए, गहने गिरवी रख दिए जाएं, ऐसा नहीं होता। ये आप तो जबरदस्ती लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए आखिरी टाइम प्याज कब खाया था? नहीं प्याज तो खा रहे हैं हम, खा रहे हैं, लेकिन ये जो महिला है ये कह रही है कि आधा खा रहे हैं, सब्जी में पति को जो है टेस्ट कम देंगे प्याज का। हो यही रहा है, हो यही रहा है। सलाद खाते हैं? हाँ खीरा खा रहे हैं, उसमें मूली, मूली खा रहे हैं, टमाटर भी नहीं खा पा रहे, वो भी बहुत महंगा हो रहा है। सर ये बताइए घर में जब वाइफ को पैसा देते हैं सब्जी लाने के लिए तो कटौती इस बार आप लोग कितनी कर रहे हैं? कटौती क्या, पैसे तो उतनी दे रहे हैं, सामान ही नहीं आ रहा, सामान ही नहीं आ रहा है। 2000 दे रहे थे तो 2000 ही दे रहे हैं, सामान कम आ रहा है क्योंकि सामान महंगा हो गया बहुत। सर मुझे आप बताइए ना, आपके लिए महंगाई कितनी बड़ी हो गई इस वक्त? तो देखो सभी के लिए बड़ी है, मेरे लिए नहीं बड़ी है, मजदूर आदमी के लिए ज्यादा परेशानी है इसका। सर कैसे परेशानी? परेशानी मैं कहाँ, आमदनी नहीं है ना। आप क्या काम करते हैं? छोटी सी ठेली लगाते हैं। ठेली पे सामान बिक रहा है? नहीं सामान अगर बिकता तो आपके पास खड़े होते हम। अरे बाप रे, मतलब गुस्से में आए आप यहाँ पे गुस्सा निकालने के लिए? खड़ा होता तो कौन दुकानदार आपके पास आएगा, तो काम नहीं है बिल्कुल भी, काम नहीं है बिल्कुल भी। सर सर इधर आइए ना, सर घर में कितने बच्चे हैं? 3। सर स्कूल जा रहे हो? 3ों की शादी हो गई, बड़े हो गए। 3ों की शादी हो गई है, तो सर मतलब आपका निपटारा तो एक तरीके से हो गया आधा, बिल्कुल हो गया। आप ये बता दीजिए, चलिए ये तो घरेलू बात हम बाद में करेंगे, ये बता दीजिए महंगाई का असर कितना मानते हैं आप? महंगाई का असर बहुत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि प्याज 80 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो, ये छोटे सामान जो खा सकते थे लोग वो भी नहीं खा पा रहे हैं,
इवन शिमला मिर्च 120 रुपए किलो, खाने पीने के सामान की बात करें तो सब में। सर दाल से काम चल जाएगा? दाल भी सब महंगी है, कोई भी दाल 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है, सब महंगी है। थाली में क्या खा रहे बता दीजिए ना। मिर्च मसाले, मिर्च मसालों से काम चला रहे हैं। चटनी और रोटी, अरे मिर्च की चटनी और रोटी, बस इसी से पेट गुजारा भरना है अब। क्योंकि सर ने मसालों की बात की है तो ये रही मसालों की दुकान, और मुझे लगता है कि जो लोग मसाले बेच रहे हैं एक बार उनसे ही बात कर ली जाती है कि इन्होंने तो कहा है कि मसालों से काम चला रहे हैं क्योंकि मसाले हमारे लिए सस्ते हैं। आपकी तो दुकान है, मेरे को लग रहा है लाल मिर्च हल्दी सब दिख रही है, बताइए ना कितना सस्ता और कितना महंगा। सब इस टाइम महंगा सामान है, कोई भी सस्ता नहीं है। दालों पर बहुत आग पड़ रही है इस टाइम, दालें भी महंगी हैं सब। दालें भी कोई ऐसी नहीं है कि कोई सस्ती हो, सारी दालें महंगी हैं, ग्राहक भी नहीं आ रहा। चलिए ये कह रहे हैं ग्राहक नहीं आ रहा, सब कुछ महंगा है। सर अभी ये तो कह रहे थे कि क्या नाम, मिर्च मसाले बड़े महंगे हो रहे हैं और हम लोग जो है चटनी से काम चला लेते हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि मिर्च मसाले सस्ते हो रहे हैं, आप बताइए ना, आप लोग तो खाते हैं राशन। ऐसा कुछ नहीं है, सब सामान ही महंगा है, अब तो सिर्फ एक सस्ता नमक भी था वो भी महंगा हो गया, वो भी 20-22 रुपए किलो हो गया। अब ये है कि ये दिन आने वाले हैं कि नमक के साथ ही रोटी खाई जाएगी। तो चलिए भैया, व्यापारी है, परेशान है, त्रस्त है और यही कह रहा है कि जब तक काम चलेगा तो चला लेंगे क्योंकि ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा है। बहरहाल क्योंकि अभी कवरेज बाकी है, R9 TV निकला ये ढूंढने के लिए कि आखिर इस महंगाई डायन ने किस किस को डसा है और किस किस के घर पे वार किया है। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि पूरी मार्केट में जाने वाले और जानने वाले हैं कि आखिर क्या है इस महंगाई डायन का राज। किसी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे और ये अच्छे दिन आजकल बड़े महंगे से हो गए हैं क्योंकि थाली से प्याज गायब हो गया है और अब नवरात्रों वाली फीलिंग आने लगी है कि बिना प्याज और बिना टमाटर के खा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब R9 की टीम आ ही चुकी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद घंटागढ़ इलाके में और ये तमाम वो लोग हैं जो कि आम लोग कहे जाते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनके लिए किस हिसाब से महंगाई बदली है। महंगाई जो है सुना है कि 7 घर छोड़कर आती है क्योंकि महंगाई अब डायन हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कि हर घर पहुंच रही है या फिर 7 घर छोड़कर आई है? नहीं, महंगाई का दौर तो चल रहा है मगर अब जिससे जैसा बनता है वो अपने हिसाब से करता है, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो स्कूल की चल रही हैं जो सबको सोचना चाहिए इस समय। महंगाई के दौर में बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है। गुटखा 5 वाला 20 में आदमी खरीद सकता है, शराब के लिए अर्थव्यवस्था के लिए लड़ सकता है, जा सकता है वो, तो प्याज 80 रुपए हो जाता तो कोई बात नहीं, तो फसल है। आज फसल खराब हो गई है तो 80 होगा, कल को 8 रुपए भी होगा। मतलब गुटखा हम 5 का 10 में खाएंगे और प्याज अगर महंगा हो जाएगा तो वो भी चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। 10 रुपए का पॉपकॉर्न 100 रुपए में खाते हैं और खुश होके खाते हैं। आज तक किसी ने उस मुद्दे पे बात नहीं करी होगी कि वहाँ कोल्ड ड्रिंक 200 की मिल रही है, 250 की प्याज ही उछाला जाता है, जबकि प्याज भाई साहब ने, हमारे कोई बड़े भाई ने बहुत बढ़िया बात कि जब फसल आएगी मंदा हो जाएगा। सर बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछ रही हूँ फीस तो दे रहे होंगे? बिल्कुल जा रही है। सर थोड़ा सा दर्द हो रहा है जेब से निकालने में या फिर ठीक है? पूरा दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द इस वजह से हो रहा है क्योंकि मार्केट बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। जनरली अभी तो बच्चे सब पहले भी पढ़ा रहे थे और बाद में भी पढ़ाएंगे, ये तो ये पीरियड जो लॉकडाउन का हो गया इसी वजह से दर्द हो रहा है। सलाद खाते हैं? नहीं मैडम, छोड़ ही दिया, प्याज ही महंगा तो क्या करेंगे सलाद को खा के। सर कोरोना के टाइम पे खाया था? प्याज छोड़ो, गरीब आदमी के लिए आलू है, आलू भी 50 रुपए केजी हो रहा है मार्केट में, आलू भी खा लेता था गरीब आदमी, आलू भी बंद हो गया अब तो घरों में लोगों को। आप कह रहे थे कि महंगाई जो है नहीं नजर आ रही है, तो मुझे बताइए सस्ता क्या मिल रहा है? सब कुछ सस्ता, टमाटर सस्ता हो गया, जरूरी है जो चीज महंगी हो जाए उसे खाना छोड़ दें, क्या त्याग देंगे? हम त्याग देंगे प्याज, हम नवरात्रों में बिना प्याज के क्या सब्जियां नहीं खाते? क्या खाते हैं ना, हम देश हित में त्याग देंगे, बिल्कुल त्याग देंगे। देखो मोदी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे हैं, किसानों के हित में कार्य किया है, रोजगार में काम किया है, बहुत चीजें मोदी ने ऐसे ऐसे कार्य करे हैं, उसकी चर्चा करिए ना। महंगाई क्या है? महंगाई क्या है सर बताइए, सर कैमरे पे पूछ रहे लोग क्या है? मैडम देखो ठीक है, गरीबों के लिए जो है, गरीबों के लिए महंगाई बहुत ही दंडनीय है, बहुत ही दुखदाई है। हम अगर प्याज महंगी होगी, जरूरी नहीं है देखो प्याज की जगह कुछ और, आलू भी महंगा है ठीक है, टमाटर खा लो, चटनी खा लो। लेकिन आ गया ये, लेकिन कहते सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जाता है, तो मुझे बताइए डायन कहाँ कहाँ पहुँची है फिलहाल? डायन तो खैर कोरोना की वजह से अंतर तो आ गया है, हर घर में जा ही रही है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए हमें भी कहीं ना कहीं अपने में चेंज करना ही पड़ेगा। अब मॉल में महंगाई तो जाएगी नहीं, तो चलिए खुद ही बदल जाते हैं। हाँ ये तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा हमें अपने। वो कहावत ठीक है ना, हम तो सनम बदलेंगे लेकिन तुम्हें साथ लेकर, जो ऐसे कहा जाता था, तो अब सही है ना ये बात? बिल्कुल सही है। अच्छा तो बता दीजिए घर में क्या क्या सामान है जो सस्ता आ रहा है? सब चीज ही सस्ती है, देखा जाए तो महंगा क्या है? क्या है वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या है महंगा?
महंगा कुछ नहीं है, इसमें एक महीने के पीरियड में 3,000 गाड़ियां निकली हैं अभी। अच्छा। तो जब महंगाई है, पैसा नहीं है, तो गाड़ियां तो गाड़ी खरीदने वाली उस कैटेगरी में नहीं आते, हम तो मोबाइल खरीदने वाली कैटेगरी में नहीं आते। हम तो सर ये पूछ रहे हैं कि घर के राशन का क्या हाल है, वाइफ खुश है, दिक्कत नहीं है? एक गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला भी 150-200 रुपए रोज की दारू पीता है, 80% जितने भी गरीब लॉकडाउन में जो दारू पी गई है, 80% गरीब आदमी ने ज्यादातर दारू पी गई है। अच्छा। तो वो महंगाई, जब महंगाई है तो दारू कहाँ से पी गई? गरीब आदमी दारू पीता है, गरीब आदमी 80% दारू पी रहा है, 400 रुपए कमाने वाला रोज की क्वार्टर पीता है, तो महंगाई है कहाँ ये बताओ आप मुझे। सर ये तो कह रहे हैं कि पीने से काम चल रहा है, तो सर जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना मैडम। बात ऐसी है, खाली प्याज की बात नहीं है, उस हाईवे का भी काम देखो, जो हाईवे चल रहे हैं, प्याज से कुछ नहीं होगा, हाईवे से बहुत खर्चा बचा। हम ये कहते हैं कि योजना बहुत काम हो रहा है, और प्याज क्या, अगर रोटी भी छिन जाएगी, देश बचा रहेगा, उसके लिए तैयार है। बाप रे, इन्होंने क्या दिया है, हम अगर बर्बाद हो गए तो मंजूर है, लेकिन देश हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, कह रहे हैं राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, घर में चाहे खाना ना हो लेकिन सड़क जो है ठीक होनी चाहिए। सब कहने की बातें हैं कि खाना ना हो, जब बच्चे बिलकते हैं तो अच्छे अच्छे की आवाज निकल जाती है कि पार्टी के हित में इतना बढ़ चढ़ के भी नहीं कहना चाहिए। मैं रेलवे से रिटायर कर्मचारी हूँ, महंगाई भत्ता ये सब क्लोज कर दिए हैं, देश हित में तो बड़ा कुछ क्लोज कर दिया, अपने हित में नहीं कितना क्लोज किया उन्होंने। आप कह रहे देश हित जरूरी है, बाबूजी कह रहे हैं कि जो है घर का खर्चा ज्यादा जरूरी है। नहीं ठीक है, बाबूजी का भी कहना ठीक है कि देखो देश हित के साथ साथ देखो परिवार भी जरूरी है। ठीक है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। काम ठीक चल रहा है? तो आप आगे की तरफ देख सकते हैं, मार्केट में तमाम भीड़ मौजूद है, महंगाई का तो आलम अपनी जगह नजर आ रहा है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त सड़कों पे नजर आ रही है, तो महिला एक बड़ा मुस्कुरा रही है। सामान खरीदने की बात आती है तो कहती है कि इस बार कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि पति देव ने कह दिया है करवा चौथ आ रहा है, सामान में कटौती कीजिए। मुस्कुरा के मैडम आगे निकल गई है, जवाब देने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही। महंगाई ने क्या क्या इस बार नुकसान कर दिया? बहुत कुछ। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, बड़े बड़े हो गए, नहीं जाते अब। अब तो स्कूल जाते नहीं होंगे, बंद पड़े ना स्कूल, तो फीसें तो लेकिन बराबर जा रही होगी। हाँ। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए कि प्याज व्याज खाना छोड़ रखा है, क्योंकि मैंने सुना प्याज बड़ा महंगा हो। हाँ, छोड़ रखा है। अच्छा, आप बताइए मुझे, मुझे तो एकदम आप नई नवेली दुल्हन नजर आ रही है, अब तो करवा चौथ भी आ रहा है, सामान खरीद लिया? हाँ, वही लेने तो आए हैं। ओहो, तो मतलब पति देव ने बजट पूरा दिया है, कटौती करके दिया? दिया है सब पूरा बजट। महंगाई अपनी जगह है, पर महिलाओं की शॉपिंग अपनी जगह है, और कहते हैं ना कि लाल रंग का चूड़ा हो तो हाथों की शोभा भी बढ़ाता है, और त्यौहार भी अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है पहले मैं दुकानदार से पूछ रही हूँ, भैया बिक्री में कितना बदलाव आ गया? बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, पहले बिक जाती थी सही रेटों में, लेकिन अब तो हाफ रेट में मांगते हैं सब, अब हाफ रेट में कहाँ से दे, पड़ता नहीं है बिल्कुल भी, तो बस ऐसे ही चल रहा है। थप्पड़ गया बिल्कुल। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या बता सकते हो, बताइए। इतना मुस्कुरा दिया, यही ऑप्शन है। चूड़ियाँ खरीद रही हैं पहले के हिसाब से ज्यादा या कम में काम चला रही हैं? भैया कम ही चलाना पड़ रहा है अभी तो फिलहाल, बजट गड़बड़ा गया लॉकडाउन। किस चीज़ का बजट आप मानती है कि गड़बड़ा गया है? अब क्या करें, लॉकडाउन में कभी ड्यूटी गई नहीं, हस्बैंड तो इनकम भी नहीं आई है घर पे, क्या करें। पति देव इतना पैसा भेजे है लेके कि चलो चूड़ियाँ खरीद, बस यही ले पा रहे हैं। हमने सुना हम और भी औरतों से बातें कर रहे थे, कह रही है कि 2 दर्जन की जगह पे 1 दर्जन में काम चला ले। हाँ, क्या करे, कमी में चलाना पड़ेगा। तो आप तो ये भी होगा कि भैया आप तो प्याज खाती हैं? अब नहीं, छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? महंगा हो रहा है ना, इसलिए छोड़ दिया। जीरे के छोके से सब्जी का स्वाद बनेगा, और क्या, प्याज की तो कमी नहीं हो? नहीं, कमी तो करनी है, अब थोड़ी बहुत तो ले लेते हैं, पर ये ज्यादा नहीं खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। सलाद भी बंद कर दिया है, सलाद भी बंद कर रखा है। मुस्कुरा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या करें, पॉजिटिव महिला है। अम्मा बैठी है, सब्जियां बेच रही है। चलो अम्मा से एक बार बात कर लेती हूँ। अम्मा जी, प्याज दुकान पर है, खरीद रहे हैं ग्राहक? खरीद रहे कहाँ है, महंगा बहुत हो रहा है, 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, 60 रुपए किलो टमाटर है, 50 रुपए किलो गोभी है, महंगाई बहुत हो रही है। अम्मा मेरे को लग रहा है त्यौहार भी थोड़े से फीके हो गए अब। हाँ हाँ, फीके हो गए, अब ये त्यौहार आ रहे हैं तो ये फीके ही हैं। हाँ, क्या करे बता, महंगाई इतनी हो रही है। हाँ, सरकार को कौन से, प्रशासन को कौन से, ये किसके पास जाए? सरकार कोई पहुँचे?
हाँ सरकार ही तो करेगी जो कुछ करेगी। क्या पूछना चाहती है गवर्नमेंट से आप? मैं यही चाहती हूँ कि सब्जी रोटी सही मिलनी चाहिए। पेंशन वेंशन आ रही है? अभी मेरी पेंशन भी खत्म हो गई है, फेल कर दी पेंशन मेरी, पहले आती थी अब नहीं आती, कई साल हो गए। बड़ा गुस्सा आ रहा होगा अब तो। हाँ गुस्सा बहुत आ रहा मेरे को। लेकिन एक चीज बताइए, चलिए कोई नहीं भैया, भारतीय महिलाएं हर किसी चीज से लड़ लेती है, लेकिन इस बार खाने में प्याज व्याज इस्तेमाल कर रही है, ये छोड़ रखा है टमाटर प्याज सब्जी? मैम कतई छोड़ दिया प्याज और टमाटर तो, कतई छोड़ दिया। 80-90 रुपए किलो प्याज है, बिना प्याज के ही खा लो, इससे अच्छा तो। और टमाटर आप से छोले की सब्जी भी नहीं लेती होगी ना, क्योंकि प्याज जो है अब बहुत महंगा हो गया। छोले भटूरे वाले भी अब प्याज नहीं देते हैं, अब भी वो टमाटर पैसा पूरा लेते हैं, पैसे तो पूरे ही लेंगे वो। महंगाई के लिए हर कोई रो रहा है, हर कोई परेशान है। और देखिए क्योंकि यहाँ पर सेल लगी ना, तो सेल की भी एक बड़ी वजह होती है कि जहाँ सेल लगी होती है वहाँ महिला आपको जरूर दिखती है, सही कहा ना मैंने? तो चलिए महंगाई बढ़ गई। हाँ जी बढ़ गई है। सामान खरीदना कम कर दिया या बराबर चल रहा है? नहीं जी कम कर दिया। आप तो उस पर आ रही है, आप सब ठीक है ना? उन्होंने तो कह दिया कि लोन लेना जरूरी है, आप बताइए महंगाई में क्या ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन तलाशा है आपने? सही वही बता रहे हैं जो सही बता, बता दीजिए ना, वो दो जो बता रहे हैं वो तो सही बता रहे हैं, आप भी कुछ बता दीजिए। काम तो है ही नहीं इस समय बिल्कुल भी, हर आदमी परेशान है। आदमी परेशान, परेशानी सबसे बड़ी क्या है? परेशानी तो यही है काम मिले है ही नहीं किसी का भी, कुछ भी काम नहीं है, महंगाई ज्यादा होती जा रही है, काम है नहीं। गाड़ी है अपने पास? गाड़ी है, बाइक है, टेम्पो से काम चल जाते हैं, काम तो चलाने पड़ता है, पेट्रोल बढ़ गया इसीलिए, पेट्रोल तो महंगा हो ही रहा है आपको पता दिन पर दिन। मुझे लगता है थोड़े दिन में तांगे से भी काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस मार्केट में मैं घूम रही हूँ, घंटा का सबसे मशहूर मार्केट बन जाती है, एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगी आपको। तमाम लोग खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं और मार्केट में निकले हैं, और जब मार्केट में निकले तो हम भी निकल पड़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं। भैया काम कैसे चल रहा है? काम कैसे चल रहा है? काम सही चल रहा है अभी। क्या करते हो? तो पल्लेदारी करते हैं। पैसा वैसा बच रहा है? हाँ अभी तो नहीं बच रहा इतना, ये है खाने पीने के लिए हो जाता है। तो प्याज भी नहीं खा रहे होगे? नहीं प्याज कहाँ मिल रही है। मैडम अदरक और ये लेकर आई है नींबू? मैडम तो मैं तो मार्केट नहीं आई थी, कुछ मेडिकल का सामान लेना था, रास्ते में मिल गया इसलिए ले लिया। अच्छा मैडम सस्ता मिल गया इसलिए ले लिया। हाँ हाँ तो मैडम महंगा क्या है इस वक्त, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक्चुअल में जो हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ जस्ट डबल है इसकी, बिल्कुल जस्ट डबल है, तो इसीलिए आप मार्केट आ जाती है कि चलो सस्ता ले लो। मार्केट नहीं आते हैं कोरोना की वजह से, मार्केट नहीं निकल, मतलब कोरोना से इतना डर है कि हम डबल खरीदने के लिए तैयार। मैडम आमदनी तो ठीक होगी? हाँ टचवुड सही है। टचवुड सही है, अपना काम फिलहाल चल रहा है। चलिए मैडम ये धक्का वाला चल रहा है, ये बिल्कुल अच्छा वाला चल, बढ़िया वाला चल रहा है। चलिए मैडम तो बड़ी खुश नजर आ रही है, टमाटर भी ले लिए, नींबू भी ले लिए, अदरक भी ले ली है। महंगे है सस्ते? महंगाई है इस समय तो, सब चीज खाना जरूरी है ना। थोड़ा बहुत तो कुछ खाना है ही है, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल खाना, अब तो नवरात्रि थोड़ी चल रही जो वर्त में रहेंगे, त्यौहार भी तो आ रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो आदमी परचेज करके रखता ही है। अच्छा तो मैडम क्या पहले क्या रेट था, अब कितने में फर्क आया? थोड़ा अंतर है, ज्यादा तो नहीं है, जस्ट बच्चों की सेहत बनानी है तो कुछ तो खिलाना है, अपनी भी इम्यूनिटी तो बढ़ानी है, कोरोना चल रहा है या इम्यूनिटी बढ़ानी है मैडम, इसलिए सेब लेने निकली है, सेब भी खा रही है। काम ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत है? हल्का चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। क्या क्या चल रहा है? पहले भी हल्का था, अब भी हल्का है। कोरोना का कुछ फर्क पड़ा है? फर्क बहुत है। क्या फर्क पड़ा है? अब लोग कम हो गया, और क्या है, लोग कम हो गया, कोरोना कम हो गया कि पैसा कम हो गया? नहीं कोरोना भी कम हो गया, पैसा भी कम हो गया, लोग बिगर मास्क के भी घूमते। अरे वाह ये मिली है इनसे, कैमरे की तरफ शक्ल दिखाइए, ये रहे आपके कोरोना वॉरियर जो बिना मास्क के भी चल रहे। बिगर मास्क के चल रहा है उसमें क्या हो रहा है? डर नहीं लगता ना? तो डर किस बात का? महंगाई मैडम कितनी बढ़ गई है? महंगाई तो दूनी बढ़ गई है, कोरोना से गरीब आदमी पर ज्यादा फर्क पड़ा, अमीर वाली में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। सिलेंडर इस्तेमाल करती है? हाँ करते हैं। कितना महंगा हो गया सिलेंडर भी, महंगाई हो रहा है, जनता परेशान भी है, लेकिन ये परेशानी किस हद तक जो है लोगों को इतना परेशान कर रही है कि लोग अब जो है बड़े परेशान हैं। जी मैडम क्यों परेशान है? परेशान क्या मैडम, रोजगार नहीं कुछ नहीं है, परेशान है, मतलब सवारी एक एक दो दो सवारी लेके जाते हैं, 10-10 रुपए सवारी पे मिलते हैं, वो भी मतलब परेशानी आ रही है, क्या करा जाए। तो मतलब एक दिन में पहले कमाई कितनी और अब कमाई कितनी? पहले तो कमाई मतलब हमारे पास तो किराए की ट्री है, 200 रुपया तो हम रोजाना के ट्री वाले को देते हैं, बाद भाई 100-200 रुपए हमें मिल जाते हैं। परेशान ही परेशान, परेशान है क्या करें, इसको रोए जाके हैं, इसको रोए जाके प्रशासन नहीं सुनता, कोई रोजगार नहीं कुछ नहीं, इसके सिवा कोई काम नहीं कर सकते, ये हिसाब है मैडम। ये मतलब थोड़ा सा मास्क भी लगा लीजिए ना। जी हाँ मास्क है, जरूरी है ना? हाँ जरूरी है मास्क, हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी, सबके लिए जरूरी है जी। कम से कम बात तो मान ली, भैया ने मास्क लगा लिया।
खा रहे हैं लेकिन डिस्टर्ब करोगी? खाते तो डिस्टर्ब नहीं करते लेकिन करोगी? और एक सवाल का जवाब दे लो, अभी तो यहाँ पे छोले भी दिख रहे भटूरे, और मैं आपके साथ ज्वाइन करूँगी लेकिन उससे पहले छोले भी दिख रहे भटूरे भी ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन मन तो है लेकिन फिलहाल खाएंगे नहीं। और अभी पूछेंगे महंगा कितना हो गया है पहले से? महंगा तो फिलहाल है ही मैडम, 10 रुपये महंगा हो गया। मज़ा आ गया खाते? अच्छा, लेकिन टेस्ट जो है प्याज का आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है? प्याज का टेस्ट नहीं है इसके अंदर। क्यों, थाली से गायब है? थाली से गायब है, प्याज 90 रुपए किलो हो रही है। देखो देखो देखो, मैं चाहूंगी कैमरामैन से दिखाए, बेचारे इतने परेशान हो रहे, कह रहे कि खा तो रहे लेकिन मूली मिल रही है प्याज नहीं मिल रहा, तो जब मूली मिल रही है फिर भी खा रहे हैं, काम चला रहे हैं? काम चलाना पड़ेगा, वो मैं नहीं बोल सकता। आप बोल नहीं सकते? कह रहे मैं नहीं बोलूंगा, डर लगता है क्या? नहीं। सवाल तो बता दो, मैंने तो पूछा कि महंगाई हो रही है, प्याज आप ही ने बोला गायब हो गई है। आप देखिए प्याज कहाँ पहुँच गई, मेरे हाथ से निकल गई है। हाथ से ही निकल गया? वाह, ये तो कह रहे मेरे हाथ से निकल गया। आप बताइए, थाली से भी निकल गया, इनके हाथ से भी निकल गया, अब क्या करें? मैडम तो हमारे हाथ में तो है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, अब निकल गई तो निकल गई, जो महंगाई हो रही है तो होनी है ही। तो महंगाई डायन हो गई है यानी कि? जी बिल्कुल डायन हो गई है महंगाई। मैडम महंगाई बड़ी हो गई है भैया, हम दे रहे हैं पैसे तो दे रहे हैं रिक्शा वाले को, वो तो आप दे दीजिए, लेकिन मैं कह रही मैडम महंगाई बड़ी हो, बहुत ज्यादा हो रही है मैडम, लग रहा है कहीं और गुस्सा कहीं और निकाल रही है। सवाल ये है कितना महंगा क्या सस्ता? सभी कुछ महंगा, अब तो इंसान सस्ता हो गया, इंसान सस्ता हो गया। करवा चौथ भी आने वाला है, सामान खरीदोगी? यस मैम। अब मैंने तो सुना है औरतें कह रही बहुत महंगा हो गया, अब तो मन नहीं है, बट ओकेशन ऐसा है तो शॉपिंग भी जरूरी है। बताओ बेटा, अगर मान लिया करवा चौथ के बहाने किसी का शादी आ रही हो, वो बहाने सिर्फ खरीद आए, शादी तो पीछे कर देगा या कैंसिल नहीं कर देगा या कर देगा? बताओ आप, महंगाई को देख कर शादी थोड़ी कैंसिल कर देगा? मतलब महंगाई गई भाड़ में, हम तो अपना सामान खरीदेंगे। माँ जी, इज्जत तो बचानी है। चलिए आंटी तो कह रही है इज्जत तो बचानी है, त्योहार अपना है, महंगाई अपनी जगह है, कि अगर ऐसा ही हाल बना रहा तो महंगाई यानी कि सामान से ज्यादा जान सस्ती हो जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, लगातार जनता के बीच जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इस डायन ने किस किस को डसा है। महिलाओं से बात करने जाते हैं तो महिलाएं जल्दी से कैमरे पे बोलने के लिए राजी नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि महंगाई नहीं बढ़ रही। मैडम मेरे को एक चीज बताइए, महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जी पूरी बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है महंगाई। किस तरीके से बढ़ रही है? ये सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। करवा चौथ आ रहा है इस बार, मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात करी, कह रही हैं कि इस बार सामान सोच समझ के खरीदेंगे क्योंकि महंगा बहुत है। सही बात है। तो इस बार आपका क्या प्लान है? जी हमारा भी यही है कि लेंगे सामान तो जरूरत का है। बड़ी समस्या बता दीजिए, बच्चों की फीस कितनी मुश्किल? बहुत ज़्यादा, अभी तक कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, पेरेंट्स ने खूब हंगामा किए पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैडम ये बताइए कि प्याज वगैरह भी बड़े महंगे हो गए? आलू प्याज, आलू और प्याज, अब मुझे लगता है प्याज छोड़ने पड़ेंगे। हाँ जी नहीं, मुझे लगता है प्याज छोड़ने नहीं, छोड़ेगा तो कोई नहीं। आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या 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 आप लोग मानते हैं कि भैया थाली से प्याज गायब हो गया है, टमाटर के रेट बढ़ गए हैं, स्कूल की फीसें बढ़ गई है? मोदी ने ले लिए पैसे। ये मिसेस तो नहीं बोल रही लेकिन मिस्टर जरूर बोल रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि ऑप्शन क्या है गरीब के पास? ऑप्शन क्या, अपना खाली रहो, अपने घर बैठो, खाली रहो और घर बैठो, काम ही नहीं है कुछ। कह रही है कि प्याज 100 रुपए किलो हो गया है, इन्होंने तो मुझे लग रहा है खाना बंद कर दिया है। नहीं ऐसी बात नहीं, खा रहे हैं, खाने वाली चीज तो खाई जाएगी, घने वाली चीजें खा रहे हैं, थोड़ी खाई जाएगी। सलाद में प्याज नहीं होता होगा? नहीं होता है। नहीं नहीं होता। पहले एक चीज और बताइए, थाली में प्याज ना हो तो कैसी थाली लगती है? थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। थोड़ा अधूरा सा लगता है, और आपको कैसा लगता है? बस खाली खाली। अच्छा एक बात और बता दीजिए, त्योहार आ रहा है करवा चौथ, क्या सोच रही है आप कि इस बार जो है सामान खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, क्योंकि आधी तो महिलाएं कह रही है कि हमें तो जरूरत ही नहीं। अब बिना जरूरत के पब्लिक इतनी मार्केट में भरी हुई है। ऑनलाइन की टीम लगातार आपको इस तरीके के शो के जरिए ये बताती है कि आखिर माहौल क्या है, राजनीति का माहौल कुछ कहता है, जनता क्या कहती है, और सबसे बड़ी बात ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इस महंगाई के चलते कितना कुछ बदला है, आखिर इस कोरोना ने कितनों को परेशान किया है, और आखिर क्या बच्चों की फीसें जिस तरीके से जो है पेरेंट्स दे रहे हैं वो कितने परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात कि प्याज खाए या ना खाए, क्योंकि थाली से अब बहुत कुछ गायब हो चुका है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, आ9 टीवी गाजियाबाद।